कपाल मोचन मेले में गए रिक्शा चालकों के साथ बदतमीजी हुई। ई रिक्शा चालकों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट कर वहां से भगाया। ई रिक्शा चालक इसी घटना का रोष प्रकट करने आज आरटीओ विभाग पहुंचे। ई रिक्शा चालकों ने कहा कि उन्हें मेले में जाने के लिए डीटीओ द्वारा कहा गया था। बाकायदा मेले के अंदर ई रिक्शा की चार्जिंग के लिए जगह भी बनाई गई थी, लेकिन उन्हें हर नाके पर रोका गया और 2-3 ई रिक्शा चालकों के साथ पुलिस ने मारपीट कर उन्हें वहां से भगाया। वहीं डीटीओ ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इसके बारे में जिला प्रशासन से बात कर पूरी रिपोर्ट लेंगे और जो भी ई रिक्शा चालकों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाई जाएगी। डीटीओ के आश्वासन से संतुष्ट होने के बाद सभी ई रिक्शा चालक वहां से चले गए। हमारे को आरटीओ साहब ने बुलाया, आरटीओ साहब ने बुलाया कि हमारे को डीसी साहब के आदेश है कि वहां पर प्रदूषण रहित करना मेले में अंदर ई रिक्शा चलाए जाए, और हमने कहा पूरा सहयोग देंगे, मैं हर तरह से प्रशासन को और पहले भी सहयोग देते आए हैं। हमने कहा 200 ई रिक्शा, मैं कहा 200 ई रिक्शा नहीं, वहाँ ऑटो वाले भी चलते हैं और रोटी रोजी करते, ठीक है हम दोनों मिक्स चलेंगे और आपको चलाने का मौका आप यहाँ से कम जितने ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए। हमने यहाँ से 50-70 के करीब ई रिक्शा भेजी। वहाँ पर आरटीओ साहब ने पूरा कोऑपरेट किया, इन्होंने बोला कि वहाँ के एसडीएम साहब से प्रधान जी मिली है, हमारी एसडीएम साहब से बात हुई कि मेला इंचार्ज वहाँ के एसडीएम साहब है, उन्होंने से बात नहीं हो, मेल नहीं हो सका, फोन पे बातचीत हुई, कहते बोलिए हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। उन्होंने लग व्यवस्था हमारे को जगह की करवाई गई, वहाँ ट्रांसफार्मर लग लगवाया गया, चार्जिंग की व्यवस्था अच्छी करवाई गई और हम लोग वहाँ गए, मौके पे मैं भी था, डीएसपी साहब से भी हमारे ड्राइवरों की बात हुई, उन्होंने पूरा कोऑपरेट करने की बात कही कि ऐसा यमुनानगर से आए हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। लेकिन उनके कहने के बावजूद भी कुछ हर नाकों पे हमारे ऑटो वालों ई रिक्शा वालों को रोका गया, हम 3 बार गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वही कि वहां पर डंडे मारे गए ऑटो वालों को भी, ये रिक्शा वालों को भी, दोनों को डंडे मारे गए और जिसको चोट, ये महाराज जी भाई इसको ड्राइवर है, इसको ज्यादा पहले भी चोट थी, इसको भी डंडे मारे गए। और हम किसी का देखो, हम लोग गरीब जमात है, हम लोग किसी का नाम नहीं है, प्रशासन को सबको जब ऊपर से ये सारे देश है तो फिर ऊपर वालों को पता होगा कि ऐसा क्यों हुआ। 2 ड्राइवरों को चोट मारा गया, ज्यादा चोट आई है, उन्होंने कहा कि हम जो भी इनका जाना होगा। और सर ये कमाने के लिए एक दिन पहले खराब हो गया और लास्ट में भी इनका बेचारों ने कमाई क्या करनी थी, मेले से खत्म होते ही वापस बेचारे आगे रोते हुए।